हेलो दोस्तों, जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखोगे गंगानगर वाया सूरतगढ़ होते हुए बीकानेर तक का सफ़र का आनंद। और इसमें रास्ते में सूरतगढ़ के पास में एक जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा था वहां पर आई लव सूरतगढ़ लिखा हुआ था, तो वहां पर हमने कुछ फोटो में क्लिक की और बहुत ही आनंददायक फोटो में आई। और एक बंदर है उसको एक ढाबे पर रख रखा था और वो उसको भी देखा। तो पूरी जर्नी के दौरान आप सफ़र का आनंद लेंगे और उसके बाद शाम को हम बीकानेर में बाज़ार की जो गलियां थी और उसमें घूम कर के आए, क्योंकि बरसात हुई हुई थी तो बहुत ही आनंदपूर्वक वातावरण था और देखने योग्य पूरा मौसम था। आप भी हमारे साथ इस पूरे वीडियो में गंगानगर से बीकानेर तक की जर्नी के सफ़र का आनंद लें और हमारे साथ ऐसे ही आगे और भी वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे लगे कुछ पलों को कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बेल आइकन की घंटी नहीं दबाई है तो उसको अवश्य दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आए तो वो आपको प्राप्त हो जाए और आप वीडियो समय पर देख सकें और इस पूरे जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल के वीडियो का आनंद लेते रहें। तो आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहें और आगे भी और आने वाली वीडियो को आप इसी तरह देखते और एंजॉय करते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आपने बीकानेर के बिताए हुए पलों को इस वीडियो में देखा और आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया। हम गंगानगर से बीकानेर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक जगह पर हमने खाना खाया, सूरतगढ़ कुछ समय के लिए रुके। उस सभी पलों को इस वीडियो में हमने आपको दिखाया और इस पूरे वीडियो में आपने इस सफ़र का आनंद लिया। उसके बाद बीकानेर में हमने जो जर्नी की आप देख सकते हो, ये रात्रि के वक्त के वीडियो है जो बीकानेर में हमने गाड़ी में दृश्यों को देखा। आप भी हमारे साथ ऐसे ही आगे और वीडियो में एंजॉय करते रहें और इन जर्नी के सफ़रों का आनंद लेते रहें। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जो कमेंट्स आपको अच्छे लगे उसके कमेंट्स करें, लाइक करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन की घंटी अवश्य बजा दें, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप ऐसे ही इंजॉय करते रहें और वीडियो को देखते रहें और हमारे साथ सफ़र में शामिल होते रहें, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है, यूं ही चलता रहेगा। अगर आप इस सफ़र को आनंदपूर्वक और हंसते गाते हुए चलाओगे तो ये आपको खुशियां देता रहेगा, और अगर दुख में आप इस सफ़र को दुखी मन से व्यतीत करोगे तो आपको दुख मिलते रहेंगे। तो आप सफ़र को एंजॉय करते रहें और इन हसीन पलों के आप भी भागीदार बने, तो आप आगे भविष्य में और भी वीडियो आप देखते रहें, और इस सफ़र के देखने के दौरान आप भी इन पलों को यादगार बनाते रहें। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।